गुना में केंद्रीय विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस का आयोजन हर्षोल्लास के साथ किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ विद्यालय प्राचार्य विनोद कुमार राजौरिया द्वारा ध्वज फहराने के साथ हुआ। इस अवसर पर विद्यालय के विद्यार्थियों ने समूह गीत, हिंदी अंग्रेजी भाषण, समूह नृत्य प्रस्तुत किए एवं विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उत्कृष्ट कार्य करने हेतु प्राचार्य द्वारा पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय प्राचार्य विनोद कुमार राजौरिया ने अपने उद्बोधन में विद्यार्थियों को देशभक्ति की भावना मन में रखते हुए देश विकास में सतत कार्य करने की प्रेरणा प्रदान की गई। कार्यक्रम का संचालक ऋषिकेश भगवान ने किया एवं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विद्यालय के समस्त स्टाफ ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को हार्दिक शुभकामना। मैं योगाचार्य महेशपाल, जैसा कि आज केंद्रीय विद्यालय गुना में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें विद्यार्थियों ने बहुत सारी प्रस्तुतियाँ दी, नृत्य गान आदि, कुछ अपने हिंदी अंग्रेजी भाषण भी दिए। साथ में हमारे आदरणीय प्राचार्य विनोद कुमार राजौरिया द्वारा ध्वजारोहण कर कार्यक्रम का विधिवत प्रारंभ हुआ। उसके पश्चात उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि विद्यार्थी हमेशा देश की भावना को विकसित करते हुए देश निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान दें। साथ में ही संपूर्ण केंद्रीय विद्यालय स्टाफ ने एक दूसरे को 15 अगस्त की शुभकामनाएं प्रेषित की। हर घर तिरंगा के तहत सभी ने हर घर तिरंगा के अभियान के तहत भी विद्यार्थियों को और सभी को तिरंगा फहराने के लिए घर पर उसको लेकर भी सभी को मार्गदर्शन दिया सर ने। साथ में ही गुना से रणधीर चंदेल की रिपोर्ट।